कठुआ जिला विकास बोर्ड की बैठक में पहुंचे मंत्री श्याम चौधरी को काले झंडे आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा दिखाए गए। हालांकि इससे पूर्व भी मंत्री को हीरानगर के कूटा मोड़ में रसाना मामले पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर काले झंडे दिखाए गए। वहीं मंत्री को मुंह छिपाकर वहां से भागना पड़ा और फिर उलट दिशा से यानी रॉन्ग साइड से मंत्री को निकलना पड़ा। आक्रोशित हुए लोग मंत्री के समक्ष अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन मंत्री श्याम चौधरी मुंह छिपाकर भागने में सफल रहे। वहीं कठुआ में भी जिला विकास बोर्ड की अध्यक्षता करने पहुंचे मंत्री को फिर से आंगनवाड़ी वर्कर्स के गुस्से का शिकार होना पड़ा। इस अवसर पर पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अपने हक के लिए जिन लोगों ने भाजपा को भारी बहुमत देकर जिताया था, उन्हीं लोगों से मंत्री मुंह छिपाकर भाग रहे हुए। में जिन महिलाओं की ड्यूटी जो है चौके चूल्हे पे होती हैं, वो महिलाएं पिछले करीब 2 महीनों से अपने वेतन की मांग को लेकर सड़कों पे हैं। अलर्ट इंडिया न्यूज वक्त वक्त पर इनकी मांग को उठाता रहा है, लेकिन ये महिलाएं अपने वेतन को लेकर सड़कों पे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो नारेबाजी सरकार के प्रति कर रही हैं। आज कठुआ में बोर्ड मीटिंग थी, जिसके चलते हर कोई रोष पूर्वक नेताओं को रोक रहा है। जम्मू से इस बोर्ड के जो चेयरमैन है मीटिंग के, उन्होंने आना था। सबसे पहले कूटा में रसाना के लोगों ने उनको रोककर उनका बहिष्कार करना चाहा था। झंडे तक दिखाए गए हैं और रूडली जो उनका रवैया रहा है मंत्रियों का, रॉन्ग साइड से वो निकलकर लोगों को धोखा देकर वो बोर्ड मीटिंग में पहुंचे हैं। अलर्ट इंडिया न्यूज आपको ये दिखा रहा है कि
कितनी महिलाएं इस समय सड़क पर बैठी हैं, ये महिलाएं अपने हक के लिए, अपना जो वेतन है उसके लिए ये सड़कों पे हैं, ये महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर आज सड़कों पे बैठी हैं और अपने हक की मांग कर रही हैं। ये सभी महिलाएं नौ निहालों को, जो आंगनवाड़ी में सेंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको खुराक देती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, लेकिन इन महिलाओं के अपने बच्चे भूखे हैं। किस वजह से? कि इनको वेतन नहीं मिल रहा। बिन वेतन के घर चलाना एक महिलाओं के लिए बड़े परेशानी का सबब बन जाता है। कई बार ये महिलाएं सड़कों पर आई हैं, नेशनल हाईवे इन्होंने ब्लॉक करा था। सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी राणा, पीएमओ में मंत्री हैं, उन्हें भी इन्होंने काली झंडियां दिखाई थी कि सुनो हमारी बात, हमारी ओर देखो। दिल्ली से नारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तो बचाओ और पढ़ाकर सड़कों पे बिठाओ, इस तरह की मानसिकता भाजपा जो है इनको दे रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या जो ये मांग कर रही हैं इनकी वो जायज़ है या नहीं है। हमारे साथ पैंथर पार्टी के रॉबिन हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है इस पर? जी रॉबिन, देखिए जी, हमारी सरकार ने बहुत बड़ा नारा दिया, मोदी सरकार ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज दो महीने लगातार होने जा रहे हैं और हमारी माताएं बहनें आज रोड पे हैं, और मैं समझता हूं जो उनको वेतन मिलता है वो नामात्र है। इनकी डिमांड 10,000 रुपये 6,000 रुपये है। इस डेमोक्रेसी में लोग वोट डालते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लाई है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई है, चाहे वो सिविलियन है, हर लोग वोट डालते हैं। कि वोट इसलिए डालते हैं कि उनकी डिमांड्स असेंबली में उठे, उनकी डिमांड्स वहाँ पर उठे, उनको वेतन मिले। और आज इस डेमोक्रेसी के दौर पर जहाँ पर हमारी बीजेपी की हुकूमत है, पीडीपी की हुकूमत है, और दो महीने हमारी जो हमारी मातृशक्ति है वो रोड पर है और उनको शर्म नहीं आती, इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी मातृशक्ति 35 दिन हो गया सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का जो जितने भी वादे किए वो टोटली खोखले हैं, और लोगों को जागना होगा कि जिन इन अमलों की जो तनख्वाह है वो 1,60,000-70,000 रुपया और इनका टीएडीए मिला के 2,00,000 रुपया हो गया, लेकिन जो लोग वोट डालते हैं ताकि उनकी डिमांड्स इस डेमोक्रेसी में, उनकी लोकसभा में पहुंचे, उनकी असेंबली में पहुंचे, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज दो महीने पूरे जम्मू कश्मीर की और हमारी कठुआ की हालत यह है कि हमारी जो बहनें हैं जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को तैयार करती हैं, उनके लिए खाना तैयार करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, उनका एक बेस बनाती हैं, लेकिन इनके लिए जो बेइंसाफी लगातार इनके लिए बेइंसाफी है। लेकिन मैं समझता हूँ आज मोदी सरकार के टाइम में भी जिन्होंने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनके राज में भी और दो महीने हमारी बात शक्ति बैठेगी, तो आपके सामने है कि जो तमाम बातें जो सरकार की हैं वो खोखले हैं, और जब तक इनको इंसाफ भी नहीं मिलेगा हमारी पार्टी, हमारे लोग मातृशक्ति के साथ, हमारी बहनों के साथ हम खड़े हैं। देखिए, मातृशक्ति की बात चल रही है, लोगों के बच्चों को जो तैयार करती हैं आंगनबाड़ी में, उनको खाना दिया जाता है, लेकिन खुद के बच्चे घर में इनके भूखे मर रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है। जिला सचिवालय के सामने जो महिलाएं यहां बैठी हैं अपना रोज प्रदर्शन कर रही हैं, कोई बात रखनी है मंत्री के सामने, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अंदर बैठक चल रही है जिला विकास बोर्ड की, लेकिन वो विकास किस लिए होगा? अगर ये महिलाएं सड़कों पर रहेंगी तो किस लिए विकास होगा? छावनी बना दी गई है जिला सचिवालय के सामने, सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, लाठियों से लैस महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे हैं और पुलिस वाले भी यहाँ पे हैं। इनको, इनकी आवाज को वो बंद करना चाहते हैं, लेकिन सड़कों पे बैठी महिलाएं अपनी आवाज बंद क्यों करेंगी? क्योंकि अपने हक की मांग है। बड़ी शर्म की बात है कि पहली बार रियासत में भाजपा को काले झंडों के नीचे से होकर गुजरना पड़ रहा है। कोटा में भी विकास बोर्ड की जो चेयरमैन है उनको काले झंडे दिखाए गए हैं। लोगों के सामने ये लोग, ये मंत्री अपना मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। हमारे साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स की कुछ और भी सदस्य हैं, वो जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी परेशानी रही है इन दो महीनों में। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनीता है, आंगनबाड़ी वर्कर जी। मैं ये गल आखनी चाहनी कि अज असें 50 दिन हुई है इतने, मतलब ड्रीमलैंड धरना देंदे, साड़ी कुसै ने सुध-बुध नहीं लई है, पर तुसी क्यों बैठे दी हैं, केह गल है? दो दिन बारे डी सी साहब को भी आए हैं, इन्हें भी सानू इं आश्वासन दिता है झूठा। अज सानू पता लगा कि बोर्ड मीटिंग है इतने, तो अभी सवेरे से आए थे, अही जिले वर्कर उत्थे कट्ठिया हुई, इन्हें सानू पुलिस वाले कह दिता कि उत्थे सानू डकी दिता, इन्हें बड़ा ताला मारी, तो सारिया वर्कर सारिया अंदर डकी दियाँ। और बाद जिहड़ियां बाकी वर्कर आई हैं उन्हें आई इत्थे धरना, लेकिन इन्हें पुलिस ने सानू अगे नहीं होने दिता। और जिहड़े साडे मिनिस्टर आए ये चोरी आए, जिस पासों इन्हें आना है ये उस पासों नहीं आए, ये साडे कोल डरदे रहे, ये चोरी आए, असीं कोई उग्रवादी तां नहीं है कि असीं इन्हें मारना जां पत्थर मारने हैं असीं इन्हें, ऐसे असीं भी एक लेडीज़ है, एक औरत है, अही इन्हें साडी गल सुननी चाहिए, ये साडे कोल क्यों डरे?
मतलब फिर इन कोई कमी है ना, ये ताइए साढ़े को डर है ना। तो साड़ी मांग सिर्फ इो कि साड़ी जी पे है ये 10,000 होनी चाहिए। मैं भी 32 साल हो गया इस डिपार्टमेंट नौकरी करते, तो यह 3600-3700 रुपया तनखा है। इधर क्या अज के जमाने कुछ नहीं बनता है। अस इो आखने कि जरा सा मतलब साड़ी पे जी 10,000 होनी चाहिए और साढ़े हेल्पर की जी 6,000 होनी चाहिए। हमने जे मिनिस्टरों को दिखाने थे काले झंडे, हम अपनी पे के लिए हमने 50 दिन हुए इधर बैठे हुए और 3 महीने हो गए जम्मू में हमारी कुड़ियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन इन्होंने कोई सुधबुद उनकी ली नहीं है। इसलिए आज हमने सोचा कि हम आज काले झंडे इनको दिखाएंगे, लेकिन इन्हें दिखाने का मौका ही नहीं दिया। जे चोरी से छुप के अंदर चले गए, सेक्टर में जाके बैठ गए, लेकिन हम भी आज 5 बजे 8 बजे हम इधर ही बैठी रहेंगी। हमने इधर से उठ के नहीं जाना है। हमारी 4 वर्करें अंदर बुलाई हुई हैं, लेकिन जब वो हम सारी वर्कों के साथ बात नहीं करेंगे हम इधर से नहीं उठेंगे। मेरा नाम नीलम कुमारी है, मैं एक आंगनबाड़ी वर्कर हूं। आसा सिर साढ़ा नारा इे देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। हमने अपने पूरे दाम लेने हैं, हम वो अपने दाम मांग रहे हैं। हम ईमानदारी से काम करती हैं, पूरे डिपार्टमेंट का हम काम करते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इनको अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, हमने इनको वोट दिए, जब वोट आते हैं तब हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आज हमारी सूद लेने वाला कोई नहीं है। हमने इनको भेजा है हमने इनको आगे भेजा कि हमारा कुछ सोचेंगे, लेकिन आज 50 दिन हो गए हैं, इस गवर्नमेंट ने कोई नहीं सुना, हमारी बात नहीं सुनी, ना कोई हमें आश्वासन देने आया, कोई हमारी सूद लेने नहीं आया। बात क्या, 7 महीने से हमें पे नहीं है। हम कहते हैं एक महीने की पे हमारी लो और अपनी हमें दो, फिर गुजारा करके देखो। हम बताएंगे आपको कि कैसे चलता है गुजारा, और आपको ही पता चलेगा कैसे गुजारा चलता है। इन्होंने मजाक बना के रख दिया है और आंगनबाड़ी वर्कर्स को सड़क पे ला के रख दिया। मैं आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन से कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। सर हमने क्या मांगा है, क्यों कतरा रहे थे गवर्नमेंट हमारे सामने आने के लिए? क्या मांग लिया? हिंदुस्तान का राजपाट तो नहीं हमने मांग लिया जो इतने कतरा रहे हैं? हमारे 25-25 विधायक गए हैं जहाँ से जीत कर, क्या पहनी उन्होंने? जे चूड़िया पहन के बैठे हैं वो लोग। हम कहते हैं हमें लेडीज को उन्होंने बाहर बैठा दिया और आपको चूड़िया पहनकर अंदर बैठे हैं वो। उन्हें बाहर आना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुन रहे वो लोग हमारी बात सुनने? उनको शर्म आ रही है। किस बात की शर्म आ रही है? नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। मैं कहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को जी अपना नारा वापस लेना चाहिए, कहना चाहिए बेटी बचाओ और बेटी रोड के ऊपर वाल आके पुलिस वालों से मरवाओ। आज इन्होंने हमारे लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लगा दिया, किस बात के लिए? आज एक बेटी अपना हक मांग रही है, उसके लिए 42 साल के बाद आज एक बेटी ने अपनी आवाज उठाई है और उसके साथ लाठियां पानी के पुशारे आंसू गैस के गोले मारे जा रहे हैं उसके ऊपर। मैं सरकार से जवाब मांगना चाहती हूँ। डीसी साहब बाहर आए, एमएलए बाहर आए, एसी के अंदर बैठे बातें करती है, हम भी तो बाहर बैठे धूप में जिन्होंने इनको वोट बांट के अंदर भेजा है। थैंक यू। देखिए कितने परेशानी का सबब है, पुलिस के लिए भी इस समय बड़ी परेशानी है कि किस तरह से इनको यहाँ से हटाया जाए। अंदर विकास बोर्ड की बैठक चल रही है। हम आपको बता दें कि इस विकास बोर्ड की बैठक में अभी तक सिर्फ चेयरमैन जो हैं श्याम चौधरी जी वो पहुँचे हैं और उनके साथ एमएलए हीरानगर हैं और एमएलए बनी है सिर्फ जो अंदर बैठे हैं। नवनियुक्त मंत्री जो इस समय कठुआ के एमएलए हैं और वन मंत्री हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। पूर्व मंत्री जो वन मंत्री लाल सिंह जी हैं वो भी नहीं पहुँचे हैं। तो क्या मीटिंग चल रही होगी? सिर्फ एक खाना पूर्ति है। मुझे तो लगता है कि ये जो मीटिंग है असफल करार होती दिख रही है, क्योंकि जनता सड़कों पर है, हरसाना में भी कूटा मोड़ में भी जनता सड़कों पर है। कौन सा न्याय और किसको न्याय और किसको ये लोग लाभ देने वाले हैं, ये सब सड़कों पर दिखता नजर आ रहा है। और मंत्रियों को चोरी छिपे हाउसिंग कॉलोनी से निकालकर जिला सचिवालय में पहुंचाया गया है। तो आने वाले दिनों में भाजपा की लहर जो है क्या इन महिलाओं को वेतन देती है या नहीं देती है, और कितना लंबा इनका सड़कों पे ये गतिरोध बना रहेगा? मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़, कठुआ।